चांदी जरा नहीं, मेरा नाम विशाल राव, देख है विशाल सर। आज एक आवाज और आज की बात इफ्तारी के आदाब। जैसे देखिए अगर हम रमजान में रोज इफ्तारी करते हैं तो उसके आदाब को फॉलो करें। सबसे पहला आदाब है टाइम। हम चाहिए कि ये नहीं कि हम लोग इफ्तारी की 2 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए तो हम लोग वक्त देख लें, अच्छा इतना वक्त रह गया, इतना वक्त रह गया। हमें चाहिए कि इसके बजाय हम दुआ मांगे, अल्लाह ताला से अपनी मगफरत की दुआ मांगे, जो हमारी जरूरत है उसकी दुआ मांगे। दूसरी बात यह कि जब इफ्तारी करें तो ना कि सबसे पहले समोसे पकौड़े की तरफ जाएँ। हमें चाहिए कि हम लोग दुआ पढ़ें और सबसे पहले खजूर और पानी का ग्लास पिए और फिर इफ्तारी करें। तीसरी बात यह कि अगर आपका रोज़ा रहे तो ये नहीं कि आप सबसे सारी चीज़ उठा रहे हैं, आपको चाहिए कि आप रोज़ारों को सबसे पहले हफ्ते की वो चीज़ें खाएँ, ठीक है। और चौथी बात यह कि यानी कि रमज़ान में आप मतलब अफ्तारी कर रहे हैं उसके बाद आप कह रहे हैं नमाज पढ़ पढ़ते हैं, ये बात नहीं होती। आप चाहिए कि पहले आप नमाज मतलब अफ्तारी और नमाज भी पढ़ें। और लास्ट बात यह कि आप चाहिए कि हम क्वान्टिटी में खा लें, मतलब अक्सर अफ्तारी में लोग ज़्यादा खा लेते हैं, फिर उससे ना उठा जाता कुछ किया जाता है, फिर नमाज की मत नहीं होती और ज़्यादा देर तक खाया जाता नहीं। तो हम चाहिए कि हम क्वान्टिटी में खाएँ, जितना खाते हैं उतना खाएँ। यही थी आज की अच्छी बात, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हाफिज़।